नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात होगी हरियाणा चुनाव से, बेहद ही ताजा अपडेट आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से भी ताजा अपडेट सामने निकल के आ रही है और वहीं राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी। जल्द ही इसका भी ऐलान हो चुका है, ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बात होगी कि नीतीश कुमार ने भाजपा को लेकर के बड़ा एक्शन ले लिया है। 200 के करीब नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है नीतीश कुमार, बड़ी तैयारी में, जानेंगे ये भी खबर। इसके साथ ही किसान यहां पर फूकने जा रहे थे कंगना रनौत का पुतला, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, पूरी खबर ये भी बताएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, भाजपाई मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेसी नेताओं ने FIR करवा दी है। दोस्तों एक एक करके हर अपडेट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, सही सही जानकारी आप तक पहुंचेगी। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों सामने निकल के बताते चले। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि राहुल गांधी जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेंगे। वह कम से कम 15 रैलियों और आधा दर्जन रोड शो को यहां पर संबोधित करेंगे। हरियाणा के अंदर भाजपा के लिए यहां पर चेतावनी जारी हो चुकी है कि राहुल गांधी का यहां पर तूफान आ रहा है, राहुल गांधी के नाम की लहर आ रही है राज्य के अंदर, ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों के अनुसार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है या कांग्रेस पार्टी, आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर से चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, वैष्णो देवी में भी होगा अयोध्या वाला ही हाल, भाजपा का प्रत्याशी बदलते ही उठे हैं बगावती सुर, बीजेपी भीतरघात का कर रही है सामना। आप लोगों को बताते चलें, अयोध्या में करारी हार हुई भाजपा की और अब खबर आ रही है कि वैष्णो देवी की सीट पर भी भाजपा की करारी हार होने जा रही है। दोस्तों जो खबर सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार बताते चलें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भाजपा के अंदर बगावत होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद पहली बार वैष्णो देवी के नाम से विधानसभा सीट का गठन हुआ है और वहीं दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, इसी सीट पर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मचा है। दोस्तों जानकारी के अनुसार बताते चले कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में यहां से रोहित दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन बाद में सूची को वापस ले लिया गया। बाद में इस विधानसभा सीट पर बलदेव राज शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, बस तभी से यहां पर बवाल छिड़ा हुआ है भाजपा के अंदर। बीजेपी समर्थक लगातार रोहित दुबे को टिकट ना दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और वहीं पूरी तरह से भाजपा बैकफुट पर आ चुकी है। जबरदस्त कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का गठबंधन पूरे ही राज्य के अंदर और वहीं भाजपा बैकफुट पर है, अपने ही नेताओं का विरोध का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है राज्य के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठा लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने असम में दंगे भड़काने के आरोप में हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की है। विपक्ष ने दावा किया है कि हिमंत दंगे और सांप्रदायिक हिंसा जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि CM हिमंत बिस्व शर्मा ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे, तभी से बखेड़ा खड़ा है। आप लोगों को बताते चले यहां पर असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कई विपक्षी दलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन पर धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। और इतना ही नहीं, असम को बचाने के लिए हिमंत के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये यहां पर दोस्तों कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने मांग की है, ये खबर आई है सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है हिमंत बिस्व के
बयान पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कंगना रनौत का पुतला फूंकने जा रहे किसान से पुतला लेकर के पुलिस भागी है। पुतले की खींचतान की वीडियो हापुड़ की तहसील चौपाले की है दोस्तों। बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान कंगना रनौत को लेकर के काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुतले को अपने कब्जे में ले लिया। ये यहां पर दोस्तों पूरी खबर है। दोस्तों खबर आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार बड़ी तैयारी में। भाजपा का प्लान पहले ही समझ गए नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने तख्ता पलट के डर से बीजेपी समर्थित जेडीयू के कद्दावर नेता के 185 वफादारों को पार्टी से हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि भाजपा के प्लान को नीतीश कुमार ने फ्लॉप कर दिया है। पहले ही नीतीश कुमार समझ गए कि भाजपा कुछ बड़ा खेल कर रही है। आप लोगों को बताते चलें, नीतीश कुमार की पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप लगते रहते हैं कि वे बीजेपी के ही एजेंट हैं, और यहाँ पर इसी क्रम में नीतीश कुमार ने उससे पहले ही पार्टी टूटे उससे पहले एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें 185 नेताओं को बर्खास्त कर नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि जेडीयू में उन्हें नेताओं को पद मिलेगा जो उनके प्रति वफादारी दिखाएंगे। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी नेता बगावत करते हुए नजर आते हैं उनको यहाँ पर नीतीश कुमार लगातार बाहर कर ही देते हैं। दोस्तों यहां पर बताते चले कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थक माने जाने वाले ललन सिंह के वफादार 185 नेताओं को यहां पर पूरी तरह से पार्टी से बाहर कर दिया है। ये यहां पर खबर आई है सामने। दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताते चले, जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। द वायर की रिपोर्ट में बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अनिल अंबानी की आर कॉम पर 53 बैंकों का 49,000 करोड़ का कर्जा था, मगर एनसीएलटी ने 47,000 करोड़ ही माना। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि एनसीएलटी ने एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जिसके अनुसार अनिल अंबानी ग्रुप को मात्र 455 करोड़ रुपए देने हैं, जो कि पूरे कर्ज का मात्र यहां पर 0.92% है। 1% भी पूरा नहीं देना है जितना कर्ज लिया गया अनिल अंबानी की तरफ से। द वायर की रिपोर्ट से अब आप यहां पर समझ ही सकते हैं कि इस देश में अच्छे दिन आए हैं तो सिर्फ बड़े बड़े सेठों के ही आए हैं। ये यहां पर दोस्तों द वायर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके बाद में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। आप लोग भी अपने दोस्तों राय जरूर ही बताइएगा पूरी खबर पर। इसके साथ ही जो अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से खबर है, राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा हाथरस और ब्रजभूषण के मामले में कहां थी आप। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए यहां पर बलात्कार और हत्या के मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने बयान में कहा कि वह इस घटना से बहुत ही निराश और भयभीत हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब उनकी टिप्पणी पर टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही बुरा है और हम चाहते हैं कि यहां पर आरोपी को मौत की सजा मिले। टीएमसी ने यह साफ तौर पर कहा है, लेकिन हाथरस और ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आप चुप क्यों थीं? कुणाल घोष जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने इस मामले पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जब यहां पर ब्रजभूषण का मामला आया, हाथरस का मामला आया और तमाम जब मामले आते हैं महाराष्ट्र का भी आया तब भी द्रौपदी मुर्मू जी नहीं बोली। ये यहां पर टीएमसी ने दोस्तों पलटवार किया है। इस की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।